नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आपको शुक्रताल में गंगा और सुलानी नदी का जो संगम है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अभी हम जो शुक्रताल में गंगा का घाट है वहाँ पर हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम एक नौका लेंगे, उस नौका के द्वारा हम संगम तक जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से नौका मिल जाएगी अगर आप भी संगम के दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर जो नौका वाले हैं ये दोस्तों पर यात्री जो किराया लेते हैं वो 50 से 60 रुपये। यहाँ पर दोस्तों हमें नौका मिल गई है, अब हम इसमें बैठ कर के यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो संगम है वहाँ के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों शुक्रताल प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल है और ये मुजफ्फरनगर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय भी है। दोस्तों यह स्थान हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। दोस्तों इस स्थान पर कहावत है कि राजा प्रेक्षित जिनको सांप मिला था उन्हें एक सप्ताह के अंदर तक्षक नाग द्वारा डस लिया जाएगा। यहाँ पर इसके समीप ही एक वट का वृक्ष है, उसके नीचे एक मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही भगवान सुखदेव जी भागवत कथा सुनाया करते थे। ये वट वृक्ष यहाँ अभी भी विद्यमान है और दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि इस वृक्ष पर कभी भी पतझड़ नहीं आती है। दोस्तों भगवान सुखदेव मंदिर के भीतर एक यज्ञशाला भी है। राजा परीक्षित महर्षि जी से भगवत की कथा सुना करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भगवान श्री गणेश की 35 फीट ऊंची प्रतिमा भी है और भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है और 108 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी आपको देखने को मिल जाएगी और साथ ही माता दुर्गा की 80 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। दोस्तों ये एक बहुत ही मनोरम और बहुत ही मन को तसल्ली देने वाला स्थान है। यहाँ पर आप कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सामने हम जो गंगा और सुलानी नदी का संगम है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक दाई साइड में जो पानी आ रहा है वो है गंगा का और बाई साइड से जो पानी आ रहा है वो है सुलानी नदी का। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पानी है वो दोनों नदियों का पानी आप अलग अलग देख सकते हैं। दोनों के पानी में बहुत डिफरेंस है। जो गंगा का पानी है वो बिल्कुल साफ पानी है। यहाँ पर जो यात्री घूमने के लिए आते हैं, यहाँ संगम को देखने के लिए आते हैं, वो यहाँ से गंगा जल को भरकर ले जाते हैं। दोस्तों यहाँ से जो बड़ी गंगा है वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो आप देख रहे हैं ये उसमें से निकला हुआ एक छोटा सा स्रोत है और ये स्रोत शुक्रताल में से निकल के जा रहा है। जहाँ पर श्रद्धालुगण स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी नौकाएं देखने को मिल जाएगी जिनके द्वारा आप गंगा और सुलानी नदी का जो संगम है उसे देख सकते हैं।
दोस्तों, अगर आज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब।